अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि चार दिन पहले मैंने एक यहां की तमाम RWAs को, तमाम मार्केट के जिम्मेदारों को, तमाम इलाके के जिम्मेदारों को बुलाया था और उनके साथ जाकर के पूरी रोडों का जायज़ा लिया था और जो जो जहां मुझे गलत लगा था वो मैंने हटवा दिया था और उन्होंने हटा लिया था। मेरी इस अपील को उन्होंने माना और जैद कॉलेज के बराबर में हारून साहब की एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो टेम्परेरी उन्होंने एक बाथरूम और वुजू खाना बना रखा था। मैंने उनसे जब अपील की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जेसीबी नहीं है, तो मैंने जेसीबी भेजी और उन्होंने मेरे इस आह्वान को खुद से तुड़वा लिया। मेरे इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने खुद को उसको तुड़वा लिया, जिसकी वजह से आज MCD आई और MCD को यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला और मैं बड़े दुखी मन से आज ये कहना चाहता हूँ कि MCD और पुलिस की नॉलेज में था कि 13A जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये PWD का रोड है। उसके बावजूद भी 1000 पुलिस वाले, 200 से ज़्यादा मीडिया, MCD वाले बुलडोज़र लेकर आए। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोज़र लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये जानते थे कि भाई अमानतुल्ला वहाँ मिलेगा और BJP को ये मौका मिल जाएगा कि BJP जो है इंक्रोचमेंट हटाने आए और अमानतुल्ला ने हटाने नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई इंक्रोचमेंट मिला, तो उन्हें कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं मिला। तो मैं फिर से अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी जो मैंने उन्हें समझाया, जो बात मैंने बताई उसमें वो मेरे साथ रहे, इलाके के लोग चल कर के मेरे साथ रहे, जिसकी वजह से आज हमारे इलाके के अंदर जो माहौल ख़राब होने वाला था वो नहीं हुआ और MCD को कतई तौर पे कोई मौका नहीं मिला। शुक्रिया।